नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की, क्योंकि सलमान लाला एक बार फिर से चर्चा में है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, केक कैसे काटते हैं, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि सिंपल तरीके से। लेकिन जिस सलमान लाला की हम बात कर रहे हैं, वो कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करता, सारा काम अजीबोगरीब है। और शायद इसीलिए वो एक सनकी बदमाश भी कहा जाता है। वो केक तलवार से काटता है। उसके जन्मदिन में पूरे शहर के गुंडे बदमाश आते हैं। वो रईस घरों के लड़कों से दोस्ती करता है, संभ्रांत परिवार की लड़कियों और रसोकदार के बेटों का पूरा नेटवर्क बनाता है, ताकि वो जुर्म की दुनिया के काले पन्नों में अपने अपराध की इबारत लिख सके। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के छोटी खजरानी जैसी तंग बस्ती में रहने वाले सलमान लाला से ऑडी मर्सिडीज जैसे लग्जरी कारों से लड़कियां मिलने आती थी। इंदौर के MIG थाना पुलिस के मुताबिक गुंडा सलमान लाला बड़े पब, होटलों और कैफे पर हजारों रुपए रोजाना खर्चा करता है। सलमान लाला के पास इतने पैसे कहां से आते हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में पूरी खबर सुन लीजिए। आज से करीब करीब 10 महीने पहले इंदौर के विजयनगर की थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद वो जमानत पर बाहर आ गया और दोबारा अपनी बिखरी हुई गैंग को इकट्ठा करने लगा। और 17 नवंबर 2021 को उसने फिल्म स्टाइल में गुंडे बदमाशों के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें शहर भर के गुंडे बदमाश सब शामिल हुए। इस पार्टी को नाम दिया गया लाला की बर्थडे पार्टी, और इसी पार्टी में करीब 100 लोग से ज्यादा इकट्ठा हुए। इसमें से कई तो बिल्डर, कॉलोनाइजर और फाइनेंसर के बेटे भी थे, यानी कि सब के सब रसूखदार परिवार से। और इस बर्थडे पार्टी में उसके खास साथी छोटा आदिल ने तो खुशी खुशी में गोलियां भी चलाई। इस बात की जानकारी इंदौर पुलिस को लगी तो पुलिस समय पर पहुंची और 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया, लेकिन सलमान लाला फरार होने में कामयाब हो गया। नई दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का दावा है कि सलमान लाला गैंग किसी डाके की योजना भी बना रहा था, जिसमें उसका साथी रिजवान भी शामिल था। अब पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। वैसे आपको बता दें कि सलमान लाला के जुर्म के किस्से इसी उम्र में इतने बड़े बड़े हैं कि दाऊद भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे भी शर्म आ जाएगी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इंदौर के छोटी खदरानी जैसी तंग बस्ती में रहने वाला सलमान लाला पहले शराब की तस्करी किया करता था, फिर अचानक हथियारों की तस्करी करने लगा। हथियारों की तस्करी के साथ साथ उसने ड्रग्स का धंधा भी शुरू किया, और देखते ही देखते उसने पूरी लाला की फौज खड़ी कर दी, जिनका मुख्य काम अपराधी होता है। दुकानदारों से हफ्ता वसूलने से लेकर लड़कियों और लड़कों को फंसाकर ब्लैकमेल करने तक, छोटी मोटी चोरियों से लेकर बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां चुराने तक, ये सब इसके बाएं हाथ का खेल है। आप इसके सनकपन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बार पकड़ा गया तो पुलिस वालों से कहा कि वो एक बड़ा डॉन बनेगा, अगली बार पकड़ा गया तो पुलिस वालों से ही गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, और तीसरी बार पकड़ा गया तो थाने के अंदर अपने साथी की तबीयत खराब का हवाला देकर लॉकअप से फरार होने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब भागने में कामयाब नहीं हुआ तो कोर्ट में जज के सामने पुलिस वालों पर कई संगीन इल्जाम लगा डाले, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर हो, पुलिस से तो नहीं बच सकता और हर बार इसे मौकी खानी पड़ती है। आप इस सनकी हिस्ट्री शीटर बदमाश के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।